आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोरेसेंट लैम्प देखेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट लैम्प इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लो प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प डैट यूजेज फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंस यूज करते हैं टू डिलीवर अ विजिबल लाइट, ठीक है, कि लाइट आपका प्रोड्यूस हो सके। तो इस लैम्प में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लोरेसेंस यूज करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इन द गैस, वो क्या करता है आपका, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हो तो उसके अंदर गैसेस वगैरह होते हैं आपके ट्यूब के अंदर, तो ये क्या करेगा, आपका जो मर्करी वेपर होगा उसे क्या करेगा, एनर्जाइज कर देगा, ठीक है। जो गैसेस होंगे, गैस एनर्जाइज द मर्करी वेपर, ठीक है। मर्करी वेपर को जैसे ही वो एनर्जाइज करेगा तो क्या होगा, वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है, थ्रू अ डिस्चार्ज प्रोसेस। डिस्चार्ज प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, जो आपका मर्करी वेपर लैम्प है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो रेडिएशन है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। जैसे ही वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपका प्रोड्यूस करेगा थ्रू अ डिस्चार्ज प्रोसेस, तो क्या होगा, आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो क्या करेगा, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपका क्या करेगा, आपके ट्यूब पे लैम्प जो होती है उसका इनर जो वॉल होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरस कोटेड होता है, ठीक है, उसमें फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, राइट। इनर वॉल पे आपकी क्या होती है, फॉस्फोरस कोटिंग होती है, तो ये क्या करेगा आपका वॉल, कि जो आपका जो विजुअल लाइट है वो क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा, ठीक है। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसके कारण क्या होगा, जो फास्फोरस की कोटेड जो वॉल है, फास्फोरस कोटेड वॉल है, वो क्या करेगा, आपका विजुअल लाइट प्रोड्यूस करेगा। ये सब चीजें कैसे होगी वो हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके वर्किंग में। देखो जो फ्लोरेसेंट लैम्प होती है वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, यूजफुल लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है एज कम्पेयर टू योर इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल जो ल्यूमिनस विजिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 50 to 100 लुमेंस पर वॉट, ठीक है। क्या ये, विच इज फ्यू टाइम्स मोर देन योर इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। तो ये था आपका फ्लोरेसेंट लैम्प। अब इसकी वर्किंग देखेंगे हम लोग, कैसे ये वर्क करता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती है, उसके बाद उसकी वर्किंग देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका फ्लोरेसेंट लैम्प होता है उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट लाइन ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें होगी, ट्यूब जो होती है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, इसमें आपका ड्रॉप ऑफ मर्करी होता है, राइट, मर्करी होगा। थर्ड क्या होगा आपका, आर्गन गैस भी होता है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ इसमें फॉस्फोरस कोटिंग होती है, राइट। और क्या होता है इसके अंदर, और आपका इलेक्ट्रोड्स कॉइल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माउंटिंग असेंबली होती है जिसपे आपके इलेक्ट्रोड्स वगैरह माउंट होंगे, ठीक है, जिसपे आपकी इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगे होंगे। उसके बाद क्या होता है, सेवेंथ में एल्यूमिनियम कैप होती है, ठीक है। तो इतने इसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके फास्फोरस लैम्प के, ठीक है, राइट। तो एक एक करके देखेंगे कहाँ पे ये चीजें कहाँ कहाँ लगी होती है, राइट। तो देखो ये आपका क्या है, फ्लोरेसेंट लैम्प है, ये आपका ट्यूब है और ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे चोक लगा हुआ है, ये क्या लगा आपका, स्टार्टर है, और यहां से आप क्या देते हो, सप्लाई देते हो, ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें क्या होता है आपका, कि जो आपका टोटल सेटअप है उसमें क्या चाहिए, दो बेस चाहिए, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट और क्या, और चोक जो होता है आपका वो चाहिए, और प्लस स्टार्टर चाहिए। ये दो आपके क्या है, आपके दो बेस है, देखो यहाँ पे दो बेस कनेक्टेड है, एक स्टार्टर है और दूसरा क्या है, चोक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कहाँ पे माउंट होते हैं,
माउंट असेंबली क्या होता है, आपका कहाँ लगा होता है, जो आपका दोनों एंड होता है ट्यूब का, ये दो एंड, ये ट्यूब है आपका, दिस इज अ ट्यूब, ठीक है। तो इसके दोनों एंड पे क्या लगे होते हैं, जहां पे आपका इलेक्ट्रोड जहां पे माउंट होगा, जहां पे लगेगा, तो वो दोनों बेस यहां पे लगे होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो, जो इलेक्ट्रोड होता है आपका, वो क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, इज सिमिलर टू द इनकैंडेसेंट लैम्प फिलामेंट, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैम्प फिलामेंट में जो हम लोग यूज करते थे उसके सिमिलर होता है। तो देखो, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्ले द बोथ रोल एज अ एनोड एंड द कैथोड। इसमें जो आपका फिलामेंट जो इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ एनोड काम करते हैं और कैथोड काम करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, इसमें क्या करते हैं आप, इसमें क्या करोगे कि जो फिलामेंट होता है कि उसमें क्या करते हैं कि स्मॉल प्लेट्स आर अटैच्ड टू द फिलामेंट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट एंड द रिड्यूस द वॉटेज लॉसेस एट द एंड। इसमें क्या करते हैं, कुछ स्मॉल प्लेट्स हम अटैच करते हैं आपके फिलामेंट से, ताकि जो मान लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में टकराएंगे तो आपके फिलामेंट पे भी जाएंगे, तो वो फिलामेंट पे ना टकराए, उससे क्या होगा, लॉसेस वगैरह होगा, ठीक है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल प्लेट्स को अटैच कर देते हैं आपके फिलामेंट से। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फिलामेंट हम यूज करते हैं, ये दिख रहा होगा, ये फिलामेंट को हम लोग क्या करते हैं आपका, तो ये जो फिलामेंट है इसे एक मिक्सचर में डिप करते हैं। किसके मिक्सचर में डिप करते हैं, क्या क्या होता है, बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, इसके मिक्सचर में, इन तीनों के मिक्सचर में हम क्या करते हैं, आपके फिलामेंट को डिप करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इट इज बेक ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड बिकम द ऑक्सीडाइजेस एंड दस इट बिकम्स द कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या होता है, इसे हम बेक करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या होता है, ये जब बेक करते हैं तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा ये मतलब अब कैपेबल बन जाता है, ताकि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, ये प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम लिक्विड मर्करी भी यूज करते हैं इनसाइड अ लैम्प, ठीक है, लिक्विड मर्करी यूज करते हैं। और ये जो ट्यूब होती है, जो इसकी इसका जो इनर वॉल होता है वो किससे कोटेड होता है आपका, जो इनर वॉल होता है किससे कोटेड होता है बताओ, फास्फोरस कोटिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। इसकी किसकी कोटिंग होती है, फास्फोरस की कोटिंग होती है, राइट। और इसमें हम क्या फिल करते हैं, एट द सर्टेन प्रेशर हम क्या इसमें डालते हैं, आपका आर्गन गैस को फिल करते हैं इस ट्यूब के अंदर। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो, यहां पे क्या है आपका, यहां पे देखो आपके दो पिंस है, ठीक है, दोनों तरफ दो दो पिंस है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, आपके लैम्प से ना एक कैप के थ्रू, क्या यहाँ पे एक कैप लगा होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाल देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या होता है, इसमें जो फ्लोरोसेंट लैम्प होता है, इसमें क्या क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैम्प इज लोडेड विद द गैस कंटेनिंग लो प्रेशर मर्करी वेपर और आर्गन। इसके अंदर क्या करता है, क्या क्या होता है आपका, कौन कौन से गैसेस होते हैं, लो प्रेशर मर्करी वेपर होगा और आर्गन गैस होगा, ठीक है, समझ गए यहां तक। और जो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0.3% ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर, जो आपके एनवायरमेंट का जो प्रेशर होगा उसका 0.3% होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इसका इसकी जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है, कोटेड होती है, तो ये जो कोटिंग होती है वो आपका किससे मिला, मतलब किसका बना होता है, फास्फोरस का बना होता है, मतलब फास्फोरस की कोटिंग होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, और क्या क्या होता है इसमें, तो यहां तक समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है इसका, ये कंस्ट्रक्शन है, तो वर्किंग हम लोग बाद में देखेंगे कैसे आपका ये वर्क करता है। तो यहां तक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो देखो, किसी भी फ्लोरोसेंट लैम्प को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, और ये जो आपका जो ग्लास ट्यूब होता है ये किसका बना होता है, लाइम ग्लास का बना होता है, तो हमें एक लाइम ग्लास ट्यूब चाहिए होगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मर्करी एंड आर्गन जो गैस होता है वो चाहिए होगा, ठीक है, और क्या होता है, फास्फोरस कोटिंग होगी और दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है।
समझ गए। और जो टोटल सेटअप होगा लैंप का, रिक्वायर्ड द टू बेसिस, दो बेस चाहिए आपके यहाँ पे जो कनेक्टेड करेंगे आपके ट्यूब को, जो सपोर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद क्या चाहिए आपका, एक आपको चोक कॉइल चाहिए, ठीक है, ठीक है, चोक कॉइल चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए आपको, स्टार्टर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये हो गया, और आपका जो होगा वो किससे कनेक्ट, आपका चोक जो होगा ये पूरा, एक सप्लाई भी तो चाहिए आपके ट्यूब को सप्लाई करने के लिए, ठीक है, और क्या चाहिए, एक सप्लाई चाहिए। तो मेनली यही इसका क्या होता है आपका कंस्ट्रक्शन होता है आपके फ्लोरोसेंट लैंप का, ठीक है। अब यहां तक मैंने आपको पहले बता दिया था, और इसमें जो आपके फिलामेंट होंगे, ठीक है, वो किसका कैसे वर्क करेंगे, आपके एज ए एनोड और कैथोड दोनों वर्क करेंगे, और कुछ स्मॉल प्लेट्स आपके कनेक्टेड होते हैं फिलामेंट से, ताकि क्या हो सके, जो इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे, तो उसके कारण आपका फिलामेंट ब्रेक ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल प्लेट्स को कनेक्ट कर, छोटे प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं आपके फिलामेंट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली कंस्ट्रक्शन आपके फॉस्फोरस फ्लोरोसेंट लैम्प का, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे जो ये फिलामेंट आपका, ये जो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होता है, इसमें एक स्पाइरल, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये किसका बना होता है आपका, जो ये स्पाइरल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं आपके, ये आपके टंगस्टन मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है आपको, मैंने जैसे बताया कि जो आपके कॉइल होती है उसको क्या किया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको, राइट। तो देखो इसमें आपका क्या होता है, और क्या होता है, और आपका चोक क्यों लगाया जाता है, कि ताकि ये आपकी हाई करंट को लिमिट कर सके, ठीक है। और स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर अलाउज द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट ऑन अ बोथ इलेक्ट्रोड्स। ये कैसे काम करता है, ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज कनेक्टेड होती है जो मैं बताना भूल गई, स्टार्टर के पैरेलली एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है ये, ठीक है, कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। कैपेसिटर क्यों करते हैं ये आपका, कि ताकि जो आपका पावर फैक्टर है उसे हम लोग इम्प्रूव कर सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं आप इसके पैरेलली, स्टार्टर के पैरेलली, ठीक है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन फ्लोरोसेंट लैंप का। उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।